कि सत्यवान मां बाप होके दुख बांटन वाले हो गए, राज करणिया बालक लकड़ी काटन वाले हो गए। एक राजा जिसका नाम धुमत सेन, घरवाली का नाम सोभ्या रानी, एक लड़का छोटा सा बालक जिसकी उम्र केवल 12 साल। लोगों अंधे हो गए राजा रानी अंधे। इकलौता बेटा एक मंत्री था जिसका नाम चोंडा राय, राज खोसलिया अंधे अंधी और बच्चे सत्यवान को मारने की कोशिश करता है, लेकिन एक वफादार ने महल पे एक सुरंग खुदवाई और जंगल बियाबान में सुरंग निकाल दी। अंधे राजा रानी और लड़का सत्यवान तीनों को जंगल में छोड़ दिया, एक टूटी फूटी झोपड़ी बनाई। राजा रानी लड़का रहने लगे। जब पेट में आग लगी, भूख लगी, तो वो लड़का सत्यवान अपने राजाओं के कपड़े बाजार में जाके एक लाला जी एक सेठ कने गया। वे गिरवी रख दिए कपड़े, एक कुल्हाड़ा लिया, एक रस्सी ली और लकड़ी काटने का काम लिया। लकड़ी काटता है जंगल से और बाजार में बेच के अपने माँ बाप को खाना खिलाता है, दो रोटी। लोगों यहां से कहानी शुरू है, किस प्रकार लड़का लकड़ी काट रहा है और मन में क्या ख्याल है। अरे बनी हवा में, बनी हवा में मानस के दुश्मन भी प्यारे हो जा। बीड़ पड़ी में साथ रहनिया कोई बात कन्यारे हो जा। कोई भी न पास बतावे दुश्मन सारे हो जा। बीड़ पड़ी में राज करनिया लकड़ हारे हो जो सात मरण की आवर देते हो, लकड़ी काटते काटते 4 साल बीत गए। 4 साल बीतने के बाद छोरा कै साल का हो गया, 12 साल का जंगल में आया था। 12 4 16, 4 साल बीत गए, फिर भी लकड़ी काटते जंगल में बेचता है, अंधे माँ बाप को खाना खिलाता है। 4 साल बीतते पाछे लकड़ी काट रहा है और मन में ख्याल आ रहा है, चोंडा राय मंत्री तने तुम्हारा नाश कर दिया, नंबर 2 में के लिखा। लकड़िया के फिकर में छोरा मारा हो गया। लकड़ी काटू अगर मैं डाटू कोट पवाड़ा हो गया।
चोंडर आए ने आनंद लुटे दुश्मन मारा हो गया। जिन हाथों में तलवार सजती आज जबर को लहारा हो गया। अरे रात दिन का फिक्र रहू नेक बताते हैं चार साल और बीत गए। 16 साल का छोरा फिर 4 साल और गए तो 20 साल का हो गया। फिल्म से चल रही है, 4 साल और बीत गए, छोरा सत्यवान हो गया 20 साल का। कपड़े, नए कपड़े बनवाने का जुगाड़ नहीं है, लकड़ी काटे हैं कितने काकर में लजके, कितने कांटे में लजके, वे कपड़े भी फट गए। फेकली लगा ली गरीबी के दिन, तीसरी बात में क्यों लिखा अरे कदे कदे राज भवन में चन्नो सज भज के लकड़ी काटो रहू बना मैं ऐसा अमीर तजके बियाबान में करूं गुजारा नाम ओम का वजहे कन के कपड़े फाट लिए झाड़ा में उड़े साथ रहनी यार बखत पड़े आखिर में कलम तोड़ के धर दी कवि लिखने वाले ने। उत्तर प्रदेश का नंबर वन सांगी रहा चंद्रलाल चंद्रवादी। फिल्म से दिखा गया 20 साल का छोरा हो लिया सत्यवान, आगे न्यू लिखा गया 4 साल और बीत गए, यानी कि 24 साल का छोरा हो गया। हो जंगल में रहते रहते 4 4 4 यानी कि 12 साल बीत गए। और ये बुजुर्ग बताते हैं कि 12 साल में तो कूड़ी के भी भाग जाग गया है। 12 साल पाछे उस सत्यवान लड़के की किस्मत पलटती है, के कहानी बनी के बताया। अरे कर्मा के अनुसार कवर की डबल कहानी होगी। रहते रहते सत्यवान की याद पुरानी होगी। कर्म व्रत का जाननिया जो उसे कथा सुनानी होगी। और उधर मगध देश लोग बिहार में
सत्यवान काका सालव देश का, देख लेना ये बात गूगल पे, सालव देश कहाँ है? अलवर जिले का तिजारा क्षेत्र, दक्कड़ का बोलाया बिहार पे। उधर मगध देश के अश्वपति की सावत्री शाही होती हो, वो है चंद्र